हमने इरिगेशन से बात करी है, वहाँ के लिए हमें जगह अलॉट हो रही है, प्रोसेस में है, काफी हद तक मतलब ऑलमोस्ट हो ही चुका है वो काम। वहाँ पे कूड़ेदान का भी सिस्टम हम कर रहे हैं और वहाँ पे जितना भी एरिया अलग से है वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का बेंचेस लगे हैं, जिस तरह भी प्लांटेशन हो उस पर काफी हद तक आप समझिए 80% काम हो चुका है, बस 20% फाइनल अप्रूवल के बाद काम स्टार्ट। कोशिश करेंगे एक और स्कूल प्राइमरी स्कूल बन जाए, एक हेल्थ सेंटर बन जाए। आप कूड़ेदान, एक भी कूड़ेदान नहीं है हमारे ठेला है ना। हमने एक जगह तलाश कर ली और इरिगेशन वालों को एग्री कर लिया शुभा के सामने, वहाँ एक हम खूबसूरत सा ढलाव बना रहे और एक कोशिश करेंगे यहाँ 8 नंबर पर जाए। आज शाहीन बाग अबुल फजल और उत्ता विहार वार्ड 188 जहाँ से हरीबा खान ने जीत हासिल की है, कांग्रेस की ताकतदार और हावी उम्मीदवार जो थे, उसके चर्चे पूरे दिल्ली में थे बल्कि पूरे हिंदुस्तान में थे। हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो आसिफ उमर खान वो जेल में थे पिछले दिनों, लेकिन उनकी बेटी हरीबा आसिफ ने जीत हासिल की। बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने अच्छी जीत हासिल की यहाँ से, और लोगों की उम्मीद भी थी और उसी उम्मीद पर आप खड़ी होती हैं। अब सवाल यह है कि आगे आने वाला जो 5 साल है वो आपके लिए जद्दोजहद भरा होगा और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपसे, लोगों को क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। और देखिए जो 5 साल की बात है, मैंने ये बात पहले भी कही थी इलेक्शन से पहले कि जो हालात इलाके भी कर दिए गए पिछले कुछ सालों में, हमें अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत की जरूरत है इसकी, क्योंकि बुरा हाल है इलाके का। आप किसी भी गली में घुस जाए, किसी भी इलाके में घुस जाए, इन्होंने बर्बाद करके रख दिया इलाके को, 10 गुना ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और देखिए आज हमने एक ये लंच का प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज करा है, जितने भी एनसीटी के कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, उन सबको हमने यहाँ पे बुलाया ताकि हम उनसे बैठ के बात कर सकें, बातें रख सकें। बहुत ज़रूरी है, देखिए पहले भी मैंने ये बात कही थी कि आवाम और हमें साथ चलना ज़रूरी है, और इसी तरह जो एमसीडी वर्कर्स हैं, अब हम चुने हुए हैं यहाँ पे, तो एमसीडी हमारी फैमिली की तरह है। जैसे एक परिवार अपना घर सजाता है, अपने घर को मेंटेन करके चलता है, इसी तरह जो वर्कर्स हैं और जो लीडर हैं उनको साथ मिलकर फैमिली की तरह काम करना है, इलाके को सुधारना है, इलाके में काम कराना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एमसीडी के वर्कर्स और यहाँ की आवाम सब साथ मिलके चलें, तभी 5 साल में यहाँ कुछ डेवलपमेंट अच्छे से हम कर सकते हैं। बहुत सारे काम हैं यहाँ पर, जैसे आपने वादा किया था कि यहाँ पर दो सबसे पहले जो कूड़े के पहाड़ हैं वो हटेंगे और कूड़ादान बनेगा, और भी कई सारे काम हैं जो बताए जाएंगे आपको धीरे धीरे, किस तरह आप वर्कआउट करेंगे? जी देखिए अभी भी हमने थोड़ा सा इस बात पर डिस्कशन किया, और अल्शिफा के सामने का जो डंपिंग ग्राउंड है हमने इरिगेशन से बात करी है, वहाँ के लिए हमें जगह अलॉट हो रही है, प्रोसेस में है, काफ़ी हद तक मतलब ऑलमोस्ट हो ही चुका है वो काम। वहाँ पे कूड़ेदान का भी सिस्टम हम कर रहे हैं और वहाँ पे जितना भी एरिया अलग से है वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का बेंचेस लगे हैं, जिस तरह भी प्लांटेशन हो उस पर काफ़ी हद तक आप समझिए 80% काम हो चुका है, बस 20% फाइनल अप्रूवल के बाद काम स्टार्ट हो। तो एक अल्शिफा का तो हमने उस पर स्टार्ट कर ही दिया है, बाकी 60 नंबर को भी ये भी उतना ही ज़रूरी है, इस पर भी हम अपना तैयारी कर रहे हैं, अभी हमने उस पर भी डिस्कशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस पर भी हमारा कुछ ही दिनों में काम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जावेद साहब बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेस ने इसमें क्या कहेंगे आप, कैसे किस तरह से काम की शुरुआत की जाएगी? देखिए आज ये देख के यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि अरिबा ने यहाँ अपने हाउस पे शाहीन बाग में जिस तरह से एमसीडी के कर्मचारियों को यहाँ बुला करके ये दावत का प्रोग्राम रखा, ये अपने आप में एक मतलब एक खुशी का माहौल यहाँ देखने को मिला, और इतने सारे लोग जिस तरह से यहाँ कर्मचारी में देख रहा हूँ, मुझे उस बात से ये लग रहा है, मतलब इनके उत्साह से ये लग रहा है कि काम बेहतर तरीके से। आप जब भी यहाँ पर थे भी नहीं, लेकिन लोगों को जो उम्मीद थी उस पर बिल्कुल खड़ी करती हैं अरिबा, और आगे भी आइंदा भी उतरेंगे, किस तरह से और आगे यहाँ के काम है उसको लेकर आगे। हमने इलेक्शन से पहले ही मैं एक ब्लूप्रिंट बनाया था कि हमें क्या क्या करना है, कुछ बातें थी जो पब्लिक के बीच में हम लेकर आ गए थे, जो पब्लिक की डिमांड थी, जैसे खासतौर से जो दो गार्बेज डंपिंग ग्राउंड बने हुए थे 8 नंबर पर और अल्शिफा के सामने, ये सबसे प्रायोरिटी पर लोगों की डिमांड थी।
हमने कहा था एक हफ्ते और 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को हम टैकल कर लेंगे। पुलिस की जुल्म और ज्यादतियाँ, नाइंसाफियाँ, हैंडपम्प से पैसा, सबमर्सिबल से पैसा, कंस्ट्रक्शन पे पैसा, कच्ची पटरी वालों से पैसा, लोगों के साथ ज्यादती करना, इनके लिए भी हमने कहा था कि हफ्ता 10 दिन में आपको मैसेज होगा कि पुलिस की ये गुंडागिरी नहीं चलेगी। आप मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि दो चीज़ें हमने कंट्रोल कर ली। आप गार्बेज ग्राउंड पे जाएंगे, यहाँ जाइए या वहाँ जाइए, डल रहा है, हाथ पे हाथ उठ रहा है, एक दो ट्रक से ज़्यादा वहाँ गार्बेज वहाँ पर बिल्कुल नहीं होने हो पा रहा है। सुबह को 12-1 बजे तक तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, उसके बाद एक दो टप्पर आता है और अभी भी लगे हुए हैं। रही आप एरिए में जाइए, महसूस करिए, जिस तरह से पुलिस ने आतंक काट रखा था, जगह जगह उगाही कर रही थी पुलिस, थाने तक महदूद करेंगे। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर, आप करिए, कोई जो पुलिस का काम है पुलिस वो करे, उसके फालतू काम करेगी तो हम उस पर बिल्कुल ऑब्जेक्शन करेंगे और उसको रोकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि काम भी अच्छे होंगे। एक और ओखला विहार के लोगों की प्रॉब्लम है, ओखला विहार मेट्रो स्टेशन जो बना है वो मेट्रो स्टेशन जगह तो ठीक है लेकिन नाम गलत दे दिया गया है। अबुल फजल वालों को भी प्रॉब्लम है और ओखला विहार वालों को भी प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए ये तो फिर एमएलए का काम है। देखिए क्या होता है, एमसीडी का एक जुरिसडिक्शन है, हर देखिए मैं आपको एक बात और बेसिक बात ये है कि काउंसलर का अपना जुरिसडिक्शन है, एमएलए का अपना जुरिसडिक्शन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपना अपना। जो कॉर्पोरेशन के काम होते हैं, जो ब्लॉक ग्रासरूट लेवल पे होते हैं, वो काउंसलर की जिम्मेदारी होती है। जो उससे ऊपर के काम होते हैं वो जो दिल्ली सरकार के काम है वो एमएलए का जुरिसडिक्शन है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जैसे आप CPWD है, आप DDA है ना, दिल्ली पुलिस है, ये सब चीजें और बहुत से डिपार्टमेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जुरिसडिक्शन में आता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम इसमें नहीं बोलेंगे या नहीं कुछ करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो रोजमर्रा की साफ सफाई है, कहीं सीवेज उबल रहा है, कहीं नालियां उबल रही है ना, और कहीं गंदगी है, झाड़ू लगनी है, शादी ब्याह के फंक्शन है। आगे चल के हम जैसे एमसीडी का भी एक स्कूल है, वो भी मैंने ही बनवाया था इस वार्ड के अंदर, अबुल फजल के लिए में कोशिश करेंगे एक और स्कूल प्राइमरी स्कूल बन जाए, एक हेल्थ सेंटर बन जाए। अब कूड़ेदान, एक भी कूड़ेदान नहीं है हमारे ठहराव है ना, हमने एक जगह तलाश कर ली और इरीगेशन वालों को एग्री कर लिया शुभा के साथ, वहाँ एक हम खूबसूरत सा ढलाव बना रहे और एक कोशिश करेंगे यहाँ 8 नंबर पर पहुँचाए। उसके अलावा भी मसले बहुत हैं और बहुत से मसले हैं जिनको इंशाल्लाह आगे चलते हमने 2:30 बजे बोला था वहाँ पर, देखो पूरे 2:30 बजे तरली जी को देखा अलवी आ रहा है और क्या हाल है? वो कहाँ दिनेश दिनेश रास्ते वो शायद लवली जी को लेते हुए आ रहा है, रास्ते में दोनों साथ आ रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे ओखला के परवेज हाशमी साहब पहुंच चुके हैं, चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, करना चाहो बिल्कुल नहीं, वो मतलब गरीब तबका है, काफ़ी पिछड़े वो तबका, एक मैसेज ही तो होता है, करना चाहो क्योंकि वहाँ मीटिंग में थे, थोड़ा सा उनको भी ये आइडिया होगा कि क्या क्या शादी वाला तो है मेरा, तो उसे मालूम है आपको क्या है, मीडिया कवरेज देगा जबरदस्त। उसके कई रीज़न है, एक तो खुद एक इन्फ्लुएंशियल वो हैं, उसके अलावा उस टाइम पे CNRC थे तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे बहुत एक पॉजिटिव हो रहा था। हर सभी सीनियर लोग हैं, देखो जो यहाँ पर कमिटमेंट है, प्लीज़ इज्जत का भी सवाल है ना।